लोक जनशक्ति पार्टी यानी रामविलास के चीफ चिराग पासवान को मोदी 3.0 की कैबिनेट में जगह दी गई है। लोकसभा चुनाव में बिहार की हाजीपुर सीट से उन्होंने जीत दर्ज की है और यही नहीं, उनकी पार्टी ने 5 सीटों पर चुनाव लड़ा और 5 पर जीत हासिल की है। अब उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई कैबिनेट में मंत्री बनाया गया है। संपत्ति की बात करें तो लोकसभा चुनाव के दौरान इलेक्शन कमीशन को दिए गए हलफनामे में उन्होंने अपने नेटवर्क का खुलासा किया है जो कि करोड़ों में है। MyNeta.info पर चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामे के मुताबिक बॉलीवुड में एक्टिंग से करियर शुरू करके केंद्रीय मंत्री बने चिराग पासवान के पास 2.68 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति है। वहीं लायबिलिटी जीरो है, जी हां, उनके नाम पर कोई लोन या कर्ज नहीं है। इसके अलावा उनके पास कैश 42,000 रुपए जबकि बैंक खातों में जमा 77 लाख रुपए के आसपास है। बता दें कि बिहार की हाजीपुर सीट उनके पिता की परंपरागत सीट रही है जहां से दिवंगत रामविलास पासवान 9 बार सांसद बने थे। अब उनके बेटे चिराग पासवान पिता की सीट से जीतकर मंत्री बने हैं। वहीं फिल्मों में एक्टिंग के रास्ते राजनीति में एंट्री लेने वाले चिराग पासवान ने साल 2014 में जमुई बिहार से चुनाव लड़ा था और जीता था। पिता रामविलास पासवान के निधन के बाद अब इस बार उन्होंने परंपरागत सीट हाजीपुर से ताल ठोकी और यहां भी जीते। संपत्ति पर आगे गौर करें तो चुनावी हलफनामे के मुताबिक उनके पास कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है और ना ही उन्होंने NSS पोस्टल सेविंग्स में निवेश किया है। कारों की बात करें तो उनके नाम पर एक फॉर्च्यूनर कार और एक जिप्सी जिसकी कीमत करीब 5 लाख रुपए है। इसके अलावा उनके पास 14 लाख रुपए की गोल्ड ज्वेलरी है। बता दें कि चिराग पासवान ने शेयरों में भी मोटा पैसा लगाया है और कई कंपनियों के शेयर उनके पोर्टफोलियो में शामिल है। चुनावी हलफनामे में दी गई जानकारी के मुताबिक 6 कंपनियों में उन्होंने लगभग 35.91 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं। इनमें संकट मोचन, मर्चेंटाइल प्राइवेट, एक्वा विंट्रेड प्राइवेट लिमिटेड, स्ट्रॉन्ग पिलर प्राइवेट लिमिटेड, डिवाइन डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड, प्राप्याम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और CSP स्पोर्ट्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के शेयर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में उनकी कैबिनेट में जगह बनाने वाले चिराग पासवान के पास मौजूद अचल संपत्ति की बात करें तो उनके नाम पर कोई एग्रीकल्चर लैंड नहीं है। इसके अलावा चिराग पासवान के पास कोई भी कमर्शियल बिल्डिंग नहीं है। हालांकि उनके नाम पर श्री कृष्णापुरी पटना में एक आलीशान घर दर्ज है जिसकी कीमत 1.02 करोड़ रुपए बताई गई है। देश दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म समय डिजिटल।